Hello, bachcho. Let's see the question. A spray gun is shown in the figure where a piston pushes air out of nozzle. A thin tube of uniform cross section is connected to the nozzle. The other end of the tube is in small liquid container. As the piston pushes air through the nozzle, the liquid from the container rises into the nozzle and is sprayed out. For the spray gun shown, the radii of the piston and the nozzle are 20 mm and 1 mm respectively. The upper end of the container is open to the atmosphere. If the piston is pushed at a speed of 5 mm per second, the air comes out of the nozzle with the speed of. तो यहाँ पर अगर एयर पुश्ड हो रहा है वी वन स्पीड से तो बाहर निकलेगा वी टू स्पीड से. और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो ये हो जाएगा ए वन वी वन इट इज इक्वल्स टू ए टू वी टू. तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एयर जिस स्पीड से निकलेगा ये हो जाएगा ए वन अपॉन ए टू इंटू वी वन. सो वी टू इट इज इक्वल्स टू ए वन बाय ए टू. अब एरिया जो होता है यहाँ पर हमें गिवन है रेडियाई, सो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो ये हो जाएगा आर वन अपॉन आर टू का होल स्क्वायर इंटू फाइव एम एम पर सेकेंड. सो 400 इंटू फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री मीटर पर सेकेंड. एम एम को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया सो ये 2000 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड. सो इस अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा That is C is the correct answer. I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा. Thank you.